पिंटरेस्ट से कॉपी पेस्ट करके आप सभी हर दिन के हिसाब से 1500 टू 2000 रुपीस अर्न कर सकते हो, वो भी कॉपी पेस्ट मेथड से। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिमसॉल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेकिन अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जिसके थ्रू लाइफ टाइम ऑनलाइन मनी अर्न किया जा सके। और डेफिनेटली आप में से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं, 2D कार्टून एनिमेटेड हिंदी वीडियोस सीखना चाहते हैं। अगर आप 2D एनिमेशन कोर्स करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। आप एक लिंक चेक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। इस लिंक में आपको दिखेगा 2D एनिमेशन कोर्स, जिसके लिए 3 आवर्स का लाइव वर्कशॉप है। एक डेट और टाइम भी मेंशन किया गया है, इसी डेट और टाइम के लिए आप सभी को अपने आप को रजिस्टर करना है। इन केस अगर आप सभी से ये डेट और टाइम मिस हो जाता है, अगर आप सभी भूल जाते हो इस डेट और टाइम के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, तो सेम लिंक के थ्रू आप सभी अपने आप को अगले डेट और टाइम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अभी बात करेंगे 2D एनिमेशन कोर्स में आपको क्या कुछ सीखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस में सब कुछ बताया जाएगा कि 2D एनिमेशन कार्टून हिंदी वीडियोस बनाते कैसे हैं, कहाँ से कहानी लेनी है, कौन से नीश पर काम करना है, अपनी स्टोरी के लिए कौन से कैरेक्टर्स लोगे, कहाँ से लोगे, कैसे वॉइस ओवर वॉइस मॉड्यूलेशन करोगे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, कैसे फाइनल वीडियो को एडिट करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, वीडियो एडिट कर लिया तो उसे पब्लिश करने से लेकर वायरल करने तक के सारे प्रोसेस आपको 3 आवर्स के लाइव वर्कशॉप में बताए जाएंगे। गाइज, इस स्किल्स को सीखने के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। 5th क्लास के बच्चे हो तब भी इस स्किल्स को सीख सकते हो। तो डेफिनेटली गाइज, आप सभी को ट्राई करना चाहिए 2D एनिमेशन, क्योंकि आप अपने लिए एक लाइफ टाइम ऑनलाइन अर्निंग करने का एक नया सोर्स जो है जनरेट कर रहे हो। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी अपने आप को एनरोल कर लो। तो जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि 1-2 महीने यहाँ पर काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर अराउंड 6 महीने यानी कि 6 मंथ्स तक एटलीस्ट आपको यहाँ पर पिंटरेस्ट पर काम करना होगा। और बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट मेथड है जहाँ से आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो पिंटरेस्ट के थ्रू, क्योंकि पिंटरेस्ट पर आपको पता है कि ऑल ओवर बाहर का भी बहुत क्राउड है। और जो मैं अर्निंग का मेथड शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये रिवील नहीं किया है और बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके लिए मेथड मैं लेकर आई हूँ। तो काइंडली गाइज, आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी पिंटरेस्ट से कैसे अर्निंग करनी है, सेकेंड वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सभी कमीशन पे आउट जो है अर्न करने वाले हो, थर्ड आप सभी कैसे पिंटरेस्ट के लिए पिन क्रिएट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पिंटरेस्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पर पिन क्रिएट करना है। लेकिन मैंने ड्यूरेशन बताया है कि एटलीस्ट कम से कम आप सभी को 6 महीने यानी कि 6 मंथ्स तक यहाँ पर काम करना है। और हर दिन के हिसाब से आप सभी यहाँ पर 20-30 जितने ज्यादा हो सके ना पिन क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, वॉइस ओवर भी यूज नहीं करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप सभी पिन क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हो। तो बिना डिले के आप सभी को लेकर चलूंगी लैपटॉप के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले गाइज, अभी तक अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी की अभी लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं। पिंटरेस्ट से कॉपी पेस्ट करके अच्छा अमाउंट अर्न करने का जो मैं वे बताने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ब्राउजर पर पिंटरेस्ट सर्च करना है। सर्च करते के साथ आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक आईडी क्रिएट करनी होगी। ऑलरेडी मेरी यहाँ पर आईडी है तो मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले लॉग आउट करने वाली हूँ। लॉग आउट करके मैं आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ से कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ से लॉग आउट कर लिया है। आप लोग जैसे ही अपनी यहाँ पर आईडी क्रिएट करने आओगे तो स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर सारी सेटिंग्स करनी होती है। तो अभी मैं यहाँ 3 डॉट पर आपको न्यू विंडो ओपन करके दिखाती हूँ। और यहाँ से न्यू विंडो पर हम लोग अभी लॉगिन करने वाले हैं पिंटरेस्ट पर, ताकि आप सभी सारे प्रोसेस जो है ना क्लियरली समझ पाओ, इसलिए मैं ये सारे प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, हमें यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करना है, जिसके लिए हम लोग को यहाँ से मेल, पासवर्ड, बर्थ डेट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पर यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ से एक मेल आईडी हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते के साथ ये हमें ले आएगा पिंटरेस्ट के डैशबोर्ड पर। आगे यहाँ पर आपको अपना जो है कंफर्म करना होगा या फिर ऐड अ होम एड्रेस ऐसे कर सकते हो, एल्स नॉट नाउ। तो यहाँ से मैं नॉट नाउ करके अभी आगे बढ़ूंगी। सो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें चूज करने के लिए आएगी। तो चूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको सेकंड प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन दूंगी जिसके थ्रू हमें मनी अर्न करना है। तो अभी हम लोग आने वाले हैं सेकंड प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए आपको अपने ब्राउजर पर आकर सर्च करना है टी स्प्रिंग।
हम लोग यहाँ पर टीस्प्रिंग सर्च करेंगे। टीस्प्रिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सभी क्रिएट करके प्रोडक्ट को सेल करके मनी अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, ये नहीं कि बैठ कर डिज़ाइन करना है, बस कस्टमाइज आपको यहाँ पर टी शर्ट, मग्स और डेनिम्स, बैग, हैट, कैप, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ़ोन कवर, और आपको यहाँ पर बस डिज़ाइन ऐड करना है और एज अ सेलर यहाँ पर आप अच्छी मनी अर्न कर सकते हो। जैसे स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन है तो अभी हम लोग इस पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा या फिर कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मेरी आईडी ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर है तो मैं इसे यहाँ पर एंटर कर लूँगी। सो गाइस, लॉग इन करते के साथ आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन मेल आएगा। सबसे पहले हमें मेल को वेरीफाई करना है, तभी हम लोग वहाँ पर सारे प्रोसेस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी अपने मेल पर वेरीफाई कर लेना उसे, और यहाँ से वापस से आ जाएंगे हम लोग टीस्प्रिंग के डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको एनालिटिक्स ओवरव्यू, और यहाँ पर साइड में अपग्रेड्स, एनालिटिक्स, लिस्टिंग, स्टोर्स, पेआउट, माय परचेसेस, टूल्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो क्रिएट प्रोडक्ट्स के ऑप्शन है, एडिट स्टोर है, रन अ सेल, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स जो है उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि पुलओवर है, विंड ब्रेकर, बॉम्बर जैकेट, और इसे हम लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन या कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हैंड बैग्स हैं, एप्पल वॉचेस दिख रहे हैं आपको, बकेट हैट, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसे हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और डॉलर में दिख रहा है आपको यहाँ पर $44, $12, अगर आपसे ये जितने भी लोग परचेस करेंगे आप पर परचेस के हिसाब से यहाँ से $8, $7, $9 ऐसे कमीशन्स यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या सारी चीज़ें टीस्प्रिंग पर करनी है। वापस से पिंटरेस्ट पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम लोग चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन हो गया, आर्ट हो गया, शूज़ हो गया, फैशन हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। तो यहाँ से आप सभी अलग अलग जो है जो भी मैंने आपको बताया शूज़ फैशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें चूज़ कर लेती हूँ और फिलहाल भी यहाँ से मैं डन कर लेती हूँ। डन करते के साथ यहाँ पर ऑल सेट का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं यहाँ से सेव कर लूँगी और यहाँ से हमारा एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर हमें करना है पिन क्रिएट। पिन किस लिए क्रिएट करना है तो वापस अभी आने वाले हैं हम लोग टीस्प्रिंग पर, और यहाँ पर मैं सर्च करने वाली हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ टी शर्ट। यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट सर्च किया, फुल स्लीव टी शर्ट्स आया है। यहाँ पर प्रीव्यू और डिज़ाइन का ऑप्शन है तो अभी हम लोग इस पर क्लिक करने वाले हैं पेंसिल आइकन पर, और यहाँ पर देख सकते हो कि डिज़ाइन में इस तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऐड इमेज है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग डिज़ाइन जो है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब डिज़ाइन हमें यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस भी जो है आपको बस कॉपी पेस्ट करने हैं गाइस, जिसके लिए हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, फ्री प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, तो वो अभी आपको मैं बताती हूँ। तो अभी वापस हम लोग ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करने वाले हैं कैनवा। कैनवा एक फ्री टूल है एज वेल एज प्रीमियम है। अगर प्रीमियम ले लेते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी सर्च करने वाले हैं टी शर्ट्स टेम्पलेट्स, और यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं हमारे पास, और ये सारे टेम्पलेट्स जो है आप लोग सेव कर सकते हो। जैसे कॉफ़ी है तो ये प्रो है, तो प्रीमियम होगा तो इसे यूज़ कर सकते हो। फ्री में इन सारे क्यूट पपीज़ वाले टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। इन्हें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टमाइज़ करने के लिए आप इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ फ़िल्टर ऐड ऑन कर सकते हो, जो कैरेक्टर नहीं चाहिए उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से ना इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, फिर ये नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने इसे चेंज कर दिया। अब इसे अगर आप चाहो तो ड्रैग करके थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, इस तरीके का हो गया। अब यहाँ से शेयर आइकन पर क्लिक करना है, हमें डाउनलोड पर आ जाना है और इसे हमें PNG फाइल में ही डाउनलोड करना है ताकि बैकग्राउंड हमारा कुछ भी ना रहे। अब यहाँ से इसे मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऐड इमेज पर आ जाऊँगी और यहाँ पर डाउनलोड्स पर आऊँगी, और यहाँ पर मैंने ये क्यूट डॉग टी शर्ट जो है और एक इमेज जो है यहाँ पर डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर मैंने उसे अपलोड कर दिया यहाँ पर ऐड इमेज पर आकर। और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है यहाँ पर 50 MB होना चाहिए, क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा अगर आप सभी और प्रोडक्ट अगर यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड होम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर, अपैरल, हैट्स, डिजिटल ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो अपैरल्स में चूज़ करते हो तो मेंस टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। इनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी टी शर्ट एक चूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये वाइट टी शर्ट है, इसे अगर यहाँ से हमें डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए आपको डिज़ाइन पर क्लिक करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। प्राइसिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पर प्राइसिंग भी कर सकते हो ऐड। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ऐड इमेज के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 MB तक आपकी इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज यहाँ पर एंटर किया, देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्यूट डॉगी इमेज है वो आ चुका है। इसे आप सभी अपने हिसाब से स्ट्रेच करके जैसे दिखाना है यहाँ पर फिक्स कर सकते हो।
मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसे एंटर कर दिया। अब मान लो मुझे ये डिज़ाइन सब चाहिए था, और यहाँ से अब इसे हमें अपनी प्राइसिंग फिक्स करनी है। इसका कलर भी आप सभी चेंज करके देख सकते हो, ये देखो ऐसा दिखेगा। यहाँ पर फिर ब्लैक है तो ब्लैक में ये कुछ ऐसा दिखेगा, ग्रे है तो ग्रे में कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग इसे अभी यहाँ से फिलहाल वाइट रहने देंगे, अगर वाइट है या फिर ब्लैक है तो ब्लैक रहने देंगे, जो भी आपको सही लग रहा हो। वापस इसे अगर रिसाइज़ करना हो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, रिसाइज़ का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से इसे रिसाइज़ करके हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वापस रिसाइज़ हो गया, और यहाँ से कॉन्टिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। कॉन्टिन्यू पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे फुल स्लीव्स में आ गए, हाफ में आ गया। तो यहाँ पर आप सभी अलग अलग मल्टीपल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि कैनवा पर आपको फ्री बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप सभी चाहो तो फ्री टेम्पलेट्स के लिए मिड जर्नी का यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर सर्च करने वाले हैं मिड जर्नी, और मिड जर्नी जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिखने वाला है। यहाँ से जॉइन द बेटा पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ से जॉइन द बेटा पर क्लिक करने वाले हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है इसे, और यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, तो वेरीफाई बाय मेल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी होगी। मेल वेरीफाई करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाओगे उसके इंटरफेस पर। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर फ्रेंड्स नेटवर्क डिस्कॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। डिस्कॉर्ड पर आप सभी यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पर प्लस आइकन है, ऐड अ सर्वर का ऑप्शन है, एक्सप्लोर पब्लिक सर्वर से एंड डाउनलोड एप्लीकेशन। यहाँ से प्रॉपर ये मिड जर्नी है, तो इस पर भी आप सभी क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करते के साथ जिन लोगों ने भी यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट आर्ट के लिए यहाँ पर लिखा है, उन्हें यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर एक बार स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ आपको यहाँ पर आर्ट जो है मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये फ्लोरल प्रिंट्स यानी कि फ्लावर प्रिंट्स जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर U1, U2, U3, U4 है, तो अलग अलग वेरिएशंस में हैं, जिस आपको शेप में और जिस वेरिएशन में चाहिए उसके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है वेरिएशन और अलग अलग शेप्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर चार अलग अलग शेप दिए हुए हैं, और अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कोई डिज़ाइन यहाँ पर सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए आप यहाँ पर और टाइप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टाइप और स्लैश, और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या फिर टाइप इमेजिन, और उसके बाद आप यहाँ पर आपको जो भी सर्च करना है सर्च कर सकते हो। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर इमेज है मैं उसे यहाँ से यूज़ करके देखूँगी। और यहाँ पर आप सभी क्रिएट करने के लिए न्यूबीज कोई भी रूम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद अपने हिसाब से आर्ट सर्च कर सकते हो। तो इसे यहाँ से भी मैं करने वाली हूँ सेव। लेकिन गाइस मेक श्योर कि आप इन इमेज को टीस्प्रिंग के लिए तभी यूज़ करो जब आपके पास मिड जर्नी का प्रीमियम अकाउंट हो, एल्स कॉपीराइट इशू हो सकता है। $10 यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है। अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना तो मिड जर्नी का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से अभी हम लोग ये इमेज तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन अभी हम लोग आ जाएंगे वापस से यहाँ पर कैनवा पर। अभी यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं उस डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से ये सारे कैरेक्टर्स मुझे चाहिए नहीं, अभी तो मैं रिमूव कर लेती हूँ। आप सभी ब्लैंक पेज से भी शुरू कर सकते हो। अभी यहाँ पर अपलोड पर आ जाएंगे, अपलोड फाइल्स पर आएंगे, और यहाँ से मैंने फ्लावर्स की जो इमेज डाउनलोड की थी फ्लोरल प्रिंट, उसे यहाँ से मैं लेकर आने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रिंट्स तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे इनमें से सारे प्रिंट्स चाहिए नहीं, तो जो चाहिए उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ से। तो एक को मैंने यहाँ से कर लिया, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया मेक श्योर कि आपके पास मिड जर्नी का होना चाहिए। इसे यहाँ से शेयर पर आऊँगी डाउनलोड करने के लिए, और आपको तभी यूज़ करना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास मिड जर्नी का प्रीमियम अकाउंट हो। अब यहाँ से इमेज डाउनलोड हो चुकी है, वापस से हम लोग आ जाएंगे स्प्रिंग यानी टी स्प्रिंग वाले पर। और यहाँ से अगर आपको चाहिए वापस से कोई, आपको यहाँ पर जैसे ये मग है तो मग को ले लेते हैं, और इसे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे तो इन दोनों पर अभी इमेज आ जाएगी, देख सकते हो। अभी इसे हम लोग यहाँ से थोड़ा रीडिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ से आपको अपने डिज़ाइन का नाम जो है एंटर करना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेमेंस बॉयफ्रेंड टी, तो यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं वेमेंस बॉयफ्रेंड टी। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कि हाँ व्हाई यू एडेड दिस, और यहाँ से आप यहाँ से इसे फाइनली सेव करके आगे बढ़ सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लॉन्च करने का यहाँ से ऑप्शन। और आपको अगर नेक्स्ट डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से वापस से हम लोग अभी होम पेज पर आने वाले हैं, और यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से आपको मल्टीपल डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, एक दिन में कम से कम 50-60 डिज़ाइंस आपको क्रिएट करने हैं, और एटलीस्ट 6-7 महीने आपको इस पैटर्न पर काम करना है। आप सभी चाहो तो अच्छे अच्छे कोट्स जो है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो टी शर्ट्स के लिए, क्योंकि कोट्स वाले टी शर्ट भी लोग खरीदना बहुत प्रेफर करते हैं, तो आप सभी यहाँ से कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लोरल जो है फ्लावर प्रिंट्स लेकर आ गई। आप सभी मोटिवेशनल कोट्स जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ये सारे कोट्स भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो।
और एंटर करके यहाँ पर इस तरीके से उसे डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से कॉन्टिन्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ से सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब पिंट्रेस्ट का यहाँ पर क्या काम है, जितने भी आप यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, आप सभी को पिंट्रेस्ट पर आकर पिन क्रिएट करना होगा गाइज। तो पिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पर आ जाना है और क्रिएट पिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपको यहाँ पर पिन क्रिएट करना होगा। पिन क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैनवा का। कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले मेंशन किया, और अगर आपके पास प्रीमियम हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे टी शर्ट टेम्पलेट हमने सर्च किया था, यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं पिंट्रेस्ट पिन, और यहाँ देख सकते हो कि पिंट्रेस्ट वीडियो पिन्स के भी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सभी चाहो तो ब्लैंक पेज या फिर यहाँ से कोई टेम्पलेट को रीडिज़ाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से ब्लैंक पेज लेकर आप टी शर्ट के लिए भी एक पिन डिज़ाइन कर सकते हो, और जैसे आपके पिन डिज़ाइन हो जाए वीडियो को यहाँ ड्रॉप करना है। ऐड योर टाइटल, तो आपको यहाँ पर आना है, अपने टी शर्ट का देखना है कि क्या टी शर्ट के लिए आप क्या डालोगे। क्लासिक ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट टी शर्ट फॉर वेमेंस यहाँ पर डाल सकते हैं, फ्लावर प्रिंट वाइट टी शर्ट। आप कोई कोर्ट्स वाले टी शर्ट है तो यहाँ पर डाल सकते हो डोंट गिव अप टी शर्ट्स, या फिर बीबीटी टी शर्ट्स, इस तरीके से टी शर्ट्स के नाम लिख सकते हो, बैटमैन टी शर्ट्स। और यहाँ पर आपको लिखना है, एक हाइप क्रिएट करना है ताकि आपकी ऑडियंस को लगे कि हाँ आप ये उन्हें टी शर्ट जो बेच रहे हो वो खरीद रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, ऐसा होना चाहिए। तो एक हाइप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पर आपको अपने डेस्टिनेशन लिंक वगैरह ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप ऑल टेक्स्ट जो होता है यहाँ पर टैग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हर दिन के हिसाब से ना, मैं बोल रही हूँ जितने भी आपके टी स्पिंग से आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे उसके हर दिन के हिसाब से, अगर आप मान लो 50 नहीं भी कर रहे हो, 20-25 कर रहे हो, तो आपको उतने यहाँ पर पिंस क्रिएट करने होंगे। और गाइस यहाँ पर आप 30 पिंग से अच्छे अमाउंट जो है ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए पिंटरेस्ट बताया। आपको यहाँ से कंट्री यूएस कर लेना है क्योंकि यूएस का क्राउड बहुत अच्छा है होता है यूनाइटेड स्टेट का, और टी स्प्रिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ से आप सभी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन और ये मेथड जो है पसंद आया होगा। डेफिनेटली आप सभी को ट्राई करना चाहिए। अब ये नहीं कि एक दो बार आपने पिन क्रिएट कर लिया उसके बाद कमेंट कर रहे हो कि ये वर्थफुल नहीं है, इसके थ्रू आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। डेफिनेटली अर्निंग होगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूटी आप सभी को बना के रखनी है, तभी आप सभी इस मेथड के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से आप सभी डिफरेंट डिज़ाइन भी क्रिएट करके अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया टीस्प्रिंग। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो अभी के अभी लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप सभी को ऐसी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी बात करने वाले हैं वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम सभी जो है ना घर बैठे ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और हर दिन के हिसाब से मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स, तो आप सभी लिंक चेक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। वहां पर आपको मिल रहा है सीखने के लिए 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप, और इस फ्री वर्कशॉप के थ्रू आप सभी एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सबसे पहले समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, सेकंड टैक्टिस कौन से हैक्स होते हैं, क्या टैक्टिस होती है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन से एफिलिएट प्रोडक्ट को पिक करना है, कैसे लैंडिंग पेज डिजाइन करोगे, कैसे प्रमोट करोगे, कैसे ट्रैफिक लाओगे, ये कंप्लीट चीजें आपको 3 दिनों के फ्री वर्कशॉप में बताई जाएगी। आपको बस यहाँ पर अपना टाइम और एफर्ट्स लगाना है और रजिस्टर करने के लिए नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टिप्स के साथ। तब तक ले टेक केयर यू ऑल, बाय।